3, 2, 1. ये देख प्रज्वलित हुआ 1, 0. ये दोनों जो ग्राउंडेड स्टेप आने लगा, इसरो ने एक नया इतिहास रचते हुए कार्टोसेट 3 को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है, जो कि भारत के भविष्य के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगा। लेकिन एक प्रतियोगी के तौर पे आपको कुछ चीजों का जवाब आना जरूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो चलिए बिना देर किए ये वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले इस वीडियो को जरूर लाइक कर दें। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें, इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। देखिए आपके सामने क्वेश्चन आए, उससे पहले हम आपको कुछ फैक्ट बता दें, और आपको बता दें कि इन्हीं फैक्टों पर आधारित वो क्वेश्चन होंगे जिनकी संख्या होगी लगभग 20, और ये 20 क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। तो अगर आप इन क्वेश्चनों का उत्तर देना चाहते हैं तो आपको जो हम फैक्ट बताने वाले हैं उसे ध्यान से सुनना होगा। सबसे पहले आपको बता दें कि ये इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है, और ये जो लॉन्च किया गया है इसका नाम है कार्टोसेट 3। इसका वजन 1625 किलोग्राम था। इसमें कुल मिलाकर 14 यंत्र लगे हुए थे, मतलब कि इसमें कुल मिला के क्या लगे थे, 14 सैटेलाइट, जिसमें से एक इंडिया की है और 13 अमेरिका की है। अमेरिका की जो अंतरिक्ष एजेंसी है उसका नाम है नासा, इंडिया की जो अंतरिक्ष एजेंसी है उसका नाम है इसरो। ये जो लॉन्च किया गया है, ये लॉन्च किया गया है श्रीहरिकोटा से, यानी कि इसका पूरा नाम है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा। अगर इसरो के फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसके चेयरमैन है के सिवान इसके चेयरमैन है। हमने आपको ऑलरेडी बता दिया कि यहाँ पे 14 सैटेलाइटों को भेजा गया है, जिसमें से एक इंडिया के हैं, बाकी जो 13 हैं ये अमेरिका के हैं। इसके साथ साथ इसरो ने इसी साल यानी कि 2019 में ही जुलाई के महीने में चंद्रयान 2 को किया था, जो कि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा। चंद्रयान 2 को किया गया था जुलाई 2019 में, और जो चंद्रयान 1 इसको किया गया था अक्टूबर 2008 में। इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को, और इसरो ने 2021 में गगनयान को भेजने के लिए योजना बनाई है। गगनयान को, इस गगनयान में हम रूस की सहायता भी लेंगे, और इसके साथ हमने जो मंगलयान भी ऑलरेडी कर दिया है, मंगलयान, तो मंगलयान को इसरो ने किया था 2013 में। जो कार्टोसेट 3 है, मतलब जो अभी लॉन्च किया गया है, ये 509 किलोमीटर की ऊंचाई पे होगा, मतलब कि अगर यहाँ पे धरती है तो इसके 509 किलोमीटर की ऊंचाई पे ये होगा, और जब ये 509 किलोमीटर की ऊंचाई पे होगा तो ये जो धरती का क्लियर फोटो भेज सकेगा, और ये फोटो इतना क्लियर होगा कि अगर कोई वस्तु 25 सेंटीमीटर से बड़ी है, कितना, 25 सेंटीमीटर, तो इससे बड़ी सभी वस्तुओं को देख सकता है। मतलब कि आप देख सकते हैं कि अगर घड़ी भी है और वो 25 सेंटीमीटर से बड़ी है तो उसको वो देख पाएगा बड़े ही आसानी से। अब अमेरिका ने इसी तरह एक मिसाइल लॉन्च किया था जिसकी मिनिमम क्षमता है 31 सेंटीमीटर, तो आप देखेंगे कि ये बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम उससे छोटे भी यंत्र को देख सकते हैं। जो अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है उसका नाम है नासा। तो ये रहा इसके बारे में कुछ फैक्ट। अब चलिए देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चनों को, जो कि आपके आने वाले परीक्षा में जरूर पूछे जाएंगे। क्वेश्चन शुरू करें, लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट, जो लोग अभी तक इसको लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दें, और जो लोग ऑफलाइन भी देख रहे हैं वो भी अपना उत्तर कमेंट करके जरूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। इसरो का पूरा नाम क्या है, ये आपका क्वेश्चन है। यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन हैं, आपको 2 से 3 सेकेंड मिलेगा अपना उत्तर देने के लिए। सही उत्तर है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका फुल फॉर्म है, जो कि सही है। अगला है कि इसरो ने PSLV C-47 के द्वारा नवंबर 2019 में किस सैटेलाइट को भेजा है, नवंबर 2019 में, यहाँ पे आपके ऑप्शन है। तो देखिए ये है कार्टोसेट 3, क्योंकि हमने कार्टोसेट 2 को पहले ही भेज दिया है, गगनयान को हम 2021-22 में भेजेंगे, चंद्रयान 1 को हमने भेजा था 2008 में,
टू को भेजा था 2019 में, मंगलयान को हम कब भेजे थे 2013 में। अगला है कि कार्टोसेट थ्री का वजन कितना है, ये रहे आपके ऑप्शन। अगर आपने सही से वीडियो की स्टार्टिंग देखी होगी तो आप इसका उत्तर जरूर बता पाएंगे। यह है 1625 किलोग्राम, 1625 किलोग्राम। अगला है कि कार्टोसेट थ्री धरती से कितनी ऊंचाई पर पृथ्वी का चक्कर लगाएगा, यहाँ पे आपके ऑप्शन है। आपको 2 से 3 सेकंड मिलेगा। जो ऑफलाइन देख रहे हैं वो भी अपना उत्तर कमेंट करके जरूर बताएं। सही उत्तर है 509 किलोमीटर। कितनी छोटी वस्तु को देख सकता है, 25 सेंटीमीटर। अमेरिका का जो अंतरिक्ष एजेंसी है उसने भेजा था तो वो कितना देख सकती है, 31 सेंटीमीटर। मतलब कि 31 सेंटीमीटर से छोटा होगा तो अमेरिका की मिसाइल नहीं देख पाएगी, लेकिन इंडिया की मिसाइल देख सकती है 25 सेंटीमीटर तक को। अगला है कि कार्टोसेट 3 सेटेलाइट को कहाँ से लॉन्च किया गया है, ये रहे आपके ऑप्शन। तो ये लॉन्च किया गया है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से। अगला है कि इसरो के चेयरमैन कौन है, तो ये है के सिवान, और यही मंगलयान जो मंगलयान चंद्रयान 2 किया गया था उस समय भी यही थे, के सिवान। अगला है कि पीएसएलवी C-47 अपने साथ कितने सैटेलाइट लेकर के उड़ा है, मतलब कि इस बार कितने सैटेलाइट भेजा गया है, ये आपको बताना है। तो इस बार भेजा गया है 14, जिसमें से एक इंडिया का है और 13 अमेरिका का है, जो कि नैनो सैटेलाइट है। अगला है कि पीएसएलवी C-47 की क्षमता कितनी है, कहने का मतलब कि जो पीएसएलवी C-47 है ये कितना किलोग्राम लेकर के उड़ सकता है। देखिए इस बार जो कार्टोसेट 3 भेजा गया है इसका वजन तो है 1625 किलोग्राम, लेकिन जो इसको लेकर के उड़ा है, जो इसका व्हीकल है, वो कितना लेकर के जा सकता है, ये पूछा गया है। तो इसका क्षमता है 1750 किलोग्राम, और जो कार्टोसेट है इसकी क्षमता है 1625 किलोग्राम। अगला है कि इसरो ने चंद्रयान 2 को कब लॉन्च किया था, यह आपके क्वेश्चन ऑप्शन है। तो इसको लॉन्च किया गया था जुलाई 2019 में। वैसे अगर आप 2019 भी जान रहे हैं तो ये आपके लिए सही है, क्योंकि आने वाले 2-3 साल के बाद जब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपसे केवल ईयर ही पूछा जाएगा। अगला है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने चंद्रयान 1 को कब लॉन्च किया था, ये बेहतरीन क्वेश्चन है। तो ये किया गया था अक्टूबर 2008 में। अगला है कि इसरो की स्थापना कब हुई थी, ये सभी लोग अपना उत्तर कमेंट करके बताएं। इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त को, ये तो सबको पता है, 1969 को, 15 अगस्त 1969 को। अगला है कि इसरो ने किस वर्ष में गगनयान मिशन को अंजाम देने की योजना बनाई है, यहाँ पे आपके ऑप्शन है। अंजाम मतलब कि कब लॉन्च करेगा, तो ये लॉन्च किया जा सकता है दिसंबर 2021 में। हालांकि ये डेट है, ये डेट थोड़ी टल भी सकती है, अगर किसी कारण से कोई डिले हुआ तो आप मान के चल सकते हैं 2021 या फिर 22। अगर इस तरह ऑप्शन दिया हो तो आपका सही उत्तर होगा 2021। अगला है कि इसरो ने गगनयान मिशन के लिए किस देश की सहायता ली है, कहने का मतलब ये है कि इसमें दोनों देश मिल करके इस मिशन को करेंगे, जिसमें से भारत तो है ही, लेकिन भारत के साथ एक देश और होगा। तो अगर आप इन ऑप्शनों पे गौर करें तो आपको उत्तर खुद ब खुद मिल जाएगा, क्योंकि इनमें से दो ही देश ऐसे हैं जो कि हमारे बेहतरीन साथी रहे हैं, एक है रूस और दूसरा है इजराइल, लेकिन हम सहायता लेंगे रूस की। क्या आप रूस के प्रेसिडेंट का नाम कमेंट करके बता पाएंगे, क्योंकि ये वहाँ पे लगभग 18 सालों से हैं। अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताइएगा रूस के प्रेसिडेंट का नाम। अगला है कि इसरो के द्वारा मंगलयान कब किया गया था, मंगलयान पूछा गया है, गगनयान या फिर चंद्रयान नहीं, तो ये किया गया था 2013 में। देखिए इस वीडियो के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपके जो एग्जाम होगा
जो भी एग्जाम हो SSC रेलवे वहां पर पूछा जा सकता है। अगला है कि कार्टोसेट 3 कम से कम कितनी सेंटीमीटर की वस्तु को भी देख सकता है, 25 सेंटीमीटर, 31 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर या फिर 100 सेंटीमीटर। तो ये देख सकेगा 25 सेंटीमीटर, मतलब कि अगर वो वस्तु 25 सेंटीमीटर तक है तो उस वस्तु को कार्टोसेट 3 आसानी से देख लेगा। अगर 25 सेंटीमीटर से कम हो जाएगा, जैसे कि 10 सेंटीमीटर, तो उसको नहीं देख पाएगा। लेकिन जो अमेरिका की सेटेलाइट भेजा गया वो कम से कम 31 वाले को देख सकता है, अगर वहाँ पे 30 हो जाएगा तो उसको वो नहीं देख पाएगा। तो जो इंडिया का है अमेरिका से बेस्ट है और ये है 25 सेंटीमीटर। अगला है कि अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है, ये अंतिम क्वेश्चन होगा। और जो अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है उसका नाम है नासा। नासा का फुल फॉर्म क्या आप कमेंट करके बता पाएंगे, ये अंतिम क्वेश्चन था इस वीडियो का। और जो लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं जरूर लाइक कर दें, और इस तरह की और भी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए।